सुबह का वक्त था और लोग इस उम्मीद में अपनी आंखें खोलने वाले थे कि सुबह का सूरज उनके लिए एक बेहतर दिन बनकर सामने आएगा। लेकिन तभी दीवारों और इमारतों की दरकने की आवाज उठती है और उसी पल में पूरा शहर मलबे में बदल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की सिंह और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका से रूबरू हैं। तुर्की समेत चार देशों में, लेबनान, सीरिया और इसराइल में सोमवार सुबह 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। चारों देशों में कुल मिलाकर 1400 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा नुकसान तुर्की में हुआ है, यहां तकरीबन 912 लोगों की मारे जाने की पुष्टि है। भारत और अमेरिका समेत दुनिया के कई देश तुर्की को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने का भरोसा दिलाए हैं। सीरिया में 560 लोगों की मृत्यु हुई है। इस भूकंप के झटके से लेबनान, इसराइल में भी महसूस किए गए थे ये झटके। तुर्की और सीरिया में लोग नींद में ही थे जब ये भूकंप आया। आपको बता दें कि इसके बाद 66 आफ्टर शॉक्स भी आए। आफ्टर शॉक्स वो होते हैं जो बड़े भूकंप के बाद छोटे मोटे झटके भूकंप के महसूस किए जाते हैं। इमारतें ताश के पत्तों की तरह भर भरा कर गिर गई। मलबा सड़कों पर गिरा तो उसकी चपेट में आई तमाम गाड़ियां भी दब गई। कई लोग खुशनसीब थे जिन्हें भूकंप के दौरान इमारतों से निकलकर भागने का मौका मिला। तुर्की और सीरिया में हुए भूकंप की तबाही के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच नीदरलैंड के साइंटिस्ट फ्रैंक होगर बीट्स का 3 फरवरी को किया गया एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने लिखा था कि साउथ सेंट्रल यानी तुर्की, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में 7.5 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। फ्रैंक होगर बीट्स मूल रूप से नीदरलैंड के रहने वाले हैं। वो सोलर सिस्टम जियोमेट्रिक सर्वे नाम के एक जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में सीनियर रिसर्चर हैं। जमीन के अंदर होने वाली हलचल पर खास तौर से रिसर्च करते हैं। इसके चलते ही भूकंप और सुनामी जैसे नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। आपको बता दें कि 3 फरवरी को फ्रैंक ने जो ट्वीट किया था, जो अब काफी वायरल हो रहा है, उसमें क्या लिखा था हम आपको बताते हैं। साइड स्क्रीन पे वो ट्वीट आप देख भी पा रहे होंगे। उसमें इस साइंटिस्ट ने कहा था कि आज नहीं तो कल, लेकिन जल्द ही 7.5 तीव्रता का भूकंप इस क्षेत्र में आने वाला है। क्षेत्र में शामिल जॉर्डन, सीरिया और लेबनान प्रभावित होंगे। ये भविष्यवाणी 3 दिन पहले की है। अगर वहां की स्थानीय सरकार इस बात पर अमल की होती तो शायद बहुत से लोगों की जान बच जाती। बाकी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और साथ में जिस 3 दिन पहले अगर भविष्यवाणी इस तरीके से की गई है और उस पर सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए था या नहीं, इस बात पर आपका क्या ख्याल है, कॉमेंट्स के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें उत्कर्ष पत्रिका के साथ।